हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी नवरात्रि। वेलकम टू रीना व्यास चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक स्क्रब, जिसको आप इजीली घर में प्रिपेयर कर सकते हैं और उसके बाद पैक। इस पे मैंने फ्रूट का यूज़ किया है, तो आपके पास जो भी फ्रूट अवेलेबल हो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह से मेरे वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेकंड स्टेप फेस की रेडी कर लेते हैं, जो कि क्रीम है। तो सबसे पहले हम क्रीम बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने पपीते का पेस्ट यूज़ किया है। 2 चम्मच पपीते में पेपिन नाम का एंजाइम होता है, जो आपकी स्किन में से ब्लेमिशेस को हटा देगा, डार्क स्पॉट्स को हटा देगा, सन टैन को हटा देगा। ये मेलास्मा और पिगमेंटेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, तो अगर घर में पपीता हो तो उसका यूज़ ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद मैंने यूज़ किया है बनाना का, इसका भी मैंने पेस्ट बना लिया था। ये स्किन को बहुत अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करता है। अगर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है तो आपको बनाना का रेगुलर यूज़ करना चाहिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद मैंने यूज़ किया यहाँ पे कस्तूरी हल्दी का। आप चाहे तो सिंपल हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी आपकी स्किन में से डार्क स्पॉट को, ब्लेमिशेस को हटाती है। और अगर स्किन के अंदर आप किसी भी तरह की टैनिंग भी है तो ये उसको भी हटाती है। उसके बाद मैं यूज़ किया है मुलेठी पाउडर का। मुलेठी पाउडर को नेचुरल ब्लीच का नाम दिया गया है। ये स्किन को अच्छी तरह से फेयर करती है और स्किन में से सारे डार्क स्पॉट्स को हटा के स्किन को स्मूथ, सॉफ्ट और फेयर टोन की तरफ ले जाती है, अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करते हैं तो। इन सभी को बहुत अच्छी तरह से आपको मिक्स कर देना है। ये हमारी क्रीम रेडी हो गई है। ये हमारा सेकंड स्टेप है, जिसको हमने मसाज के लिए रेडी किया। इसी क्रीम में से हम स्क्रब भी बनाएंगे और इसी क्रीम में से हम लास्ट में लगने वाला पैक भी बनाएंगे। अब हम प्रिपेयर करते हैं हमारा फर्स्ट स्टेप, जो है स्क्रब। तो स्क्रब करने के लिए हमने जो क्रीम प्रिपेयर किया था मसाज के लिए, वही क्रीम 2 चम्मच ली है और उसके अंदर डाला है फ्लैक्स सीड्स का पाउडर, मतलब अलसी के बीज का जो पाउडर होता है वो 1 चम्मच डाला है इसमें। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो आपकी फेस पे रिंकल्स होते हैं, फाइन लाइंस होती है, इन सबको ख़त्म करेगा। इसमें फैटी एसिड्स होता है, जो स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करता है और आपकी स्किन को क्लीन भी करता है। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप रेडी हो गई है स्क्रबिंग। आपको कम से कम 3 से 5 मिनट तक अपने फेस पे स्क्रब करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से। अब हम बना रहे हैं हमारा लास्ट स्टेप, जो कि पैक है। इसमें उसी क्रीम का यूज़ किया है और उसमें 1 चम्मच बेसन डाला है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आपको स्किन पर लगाना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको लगाना है फेस पे, स्क्रबिंग करना है कम से कम 3 मिनट तक। उसके बाद में आपको क्रीम से मसाज करना है 10 से 15 मिनट तक अपवर्ड डायरेक्शन में, और लास्ट में आपको 10 मिनट तक लगाना है हमारा पैक। तो फ्रेंड्स, इसको एंजॉय कीजिए, इसको यूज़ कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिख के बताना। अब नवरात्रि का आज आखिरी दिन है, आज नवमी है, इसके बाद आने वाली है दिवाली। कुछ टाइम उसमें बचा हुआ है, तो नवरात्रि से दिवाली के बीच में हम दिवाली के लिए, स्किन के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैं रोज़ आपके लिए एक वीडियो लेकर के आने वाली हूँ। तो चैनल को जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि मेरे जो भी वीडियो है उसकी अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं कल से रोज़ दिवाली तक में एक नए पैक के साथ और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, जो कि आपके ब्यूटी से रिलेटेड होगी। बाय बाय एंड फिर से हैप्पी नवरात्रा।